हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टैरेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं आपके पर्सन की सुबह की फीलिंग्स क्या थी, डीप फीलिंग्स उनकी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नज़र आए हैं यहाँ पर। उफ़, और सोच सोच के इतना रोए भी है ना कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की सुबह की, बहुत ज़्यादा। और ये एनर्जी मुझे लग रहा है 4 से 5 के बीच की एनर्जी है, और ये बहुत ज़्यादा सहमी हुई एनर्जी है यहाँ पर, ये कि हम किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं और चोरी चोरी रो रहे हैं और किसी को पता ना चले। ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपको नज़र आए हैं, अपनी सारी यादों को शायद बिखेर दिया होगा उन्होंने, अपने जितने भी आपके साथ यादें हुई हैं अच्छी बुरी सब। मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा इमोशनल हुए हैं सुबह यहाँ पर आपके साथ, उस रिश्ते को याद करते हुए जो रिश्ता आपके साथ बहुत खूबसूरत था। शायद मुझे लग रहा है आप लोग एक दूसरे को एक 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 सिर्फ एक एज अ पर्सन नहीं देखते थे, उससे आगे देखते थे एक दूसरे को। एक हक होता है ना रिश्ते में, उस हक को आप लोग मानते थे, अपनाते थे, एक दूसरे के ऊपर अपना हक जताते थे। उन्हीं चीज़ों को लेकर बह गए आपके पर्सन यादों में, बहुत ज़्यादा आपको याद किया है, बहुत ज़्यादा आपको खोने से डर जो सताता है ना, उस डर से वो आपको रोए हैं। इतना ज़्यादा आपको लेकर वो उनकी मिसिंग एनर्जी रही है। बस उनको उनका यही था कि मैं किसी भी तरीके से आपको पालूं और आपको जकड़ कर बांध कर अपने पास रख लूं। ये फीलिंग्स रही हैं सुबह उनकी, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं सुबह पर आपके पर्सन। आपके साथ वो रिश्ता देखना चाहते हैं आगे, जो रिश्ता शायद आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, एक कमिटमेंट, एक शादी, एक अच्छा कपल, एक नेक्स्ट लेवल पर अपने रिश्ते को ले जाना। उस रिश्ते को यहाँ पर याद करते हुए नज़र आए हैं आपके पर्सन, और वो चाहते हैं, नज़र ही नहीं है, वो चाहते भी हैं कि आपके साथ वो चीज़ हो, वो हक उन्हें मिले, वो औधा उन्हें मिले, आपके साथ वो रिश्ता उन्हें मिले। और ये भी सोचते हुए नज़र आए हैं कि उनका जो दायित्व है आपकी तरफ, वो भी उन्हें निभाना है। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है ये एनर्जी। मैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन की बहुत अर्ली मॉर्निंग की देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सिसकियाँ मुझे चैनल हो रहा है कि एक सिसकियों के साथ में कोई रो रहा है और उस अपनी चीज़ों को याद कर रहा है, आपके साथ बिताए वो दिन, वो बातें, वो घूमना, वो फिरना, बहुत प्यारी एनर्जी के साथ। क्योंकि हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं अपने रिलेशन में जब हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। ओके, इस ऊर्जा में रहना आसान नहीं है एक इंसान को, जब हम बहुत सुबह होते हैं और अगर हमें अचानक से वही सारी ताज़ा हो जाएं यादें, जिन यादों के साथ हम एक खूबसूरत पल बिताए हैं, वो बहुत कठिन हो जाता है। और मैं वो दर्द यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि किस पेन में आपके पर्सन रहे होंगे इन द मॉर्निंग। ज़्यादातर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिसकियों के साथ आपके पर्सन अपनी सारी यादों को याद करते हुए नज़र आए, आपके साथ बिताए हर उस चीज़ को याद करते हुए नज़र आए, यहाँ तक आपके साथ वापस से उन्हीं चीज़ों को पाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर बात करते हुए या सोचते हुए नज़र आए। ये देखिए अगेन वही आ गए, अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर आपके साथ, उन्हीं चीज़ों को लेकर भावुक होते हुए नज़र आए, उन्हीं चीज़ों को लेकर सोचते हुए नज़र आए, किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज हो जाएं, किस तरीके से वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ताकि हम वापस अपनी उन्हीं यादों, जो हम याद कर रहे हैं अभी, वो हमारे साथ वापस आ जाएं।
समझ रहे हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। मैं बहुत बहुत हैवी ऊर्जा के साथ में आपके पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी के साथ। मिसिंग के साथ साथ जो हम याद करते करते जब किसी को रोते हैं ना, तो हम बता नहीं सकते कि हम किस जोन में चले जाते हैं। और ये वही आपके पर्सन है कि सब कुछ अपने माइंड में उनके चल रहा है कि ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, मैं अपना एक रिश्ता है जो उसको कायम कर लूँ, एक पिता बनूँ, एक पत्नी बनूँ, एक पति बनूँ, जो भी जैसी भी आपके रिलेशन की कंडीशन है यहाँ पर, उस चीज़ को यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो मिस करते हुए नज़र आए बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल। यहाँ पर वो अपने उस पुराने चैप्टर को यहाँ पर नो डाउट जब ये एनर्जी है तो ये आना बनता ही है, क्योंकि उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। हर उस याद को मिटा देना चाहते हैं, हर उस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहते हैं जो चैप्टर आपकी लाइफ में सर्व नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये आप दोनों बेहतर जान सकते हैं, किसने किसको ब्लॉक कर रखा है, क्यों ब्लॉक किया, क्या सिचुएशन आप लोगों की रही होगी। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन डियर बहुत ज़्यादा आपको प्यार तो करते ही करते हैं नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं। आपके साथ एक नया सर्कल जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें वो कड़वी यादें ना हों, वो इमोशनल बैगेज को उतार फेंकना चाहते हैं जो जो अभी तक उनको परेशान कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर उस चीज़ को जो कि ख़त्म हो जाना आपके रिश्ते में बेहतर है, उस रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। आपको खोने से आपके पर्सन बहुत डरते हैं, मैं ये बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन जितना आपको प्यार करते हैं उतना ही आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये एनर्जी किस किस के साथ रेजोनेट की है, क्योंकि यहाँ पर ये कह पाना कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते ये बहुत नाइंसाफी होगी अगले के साथ। फिर से वही मैंने कहा ना, हद से ज़्यादा इमोशनल हुए हैं आपके पर्सन यहाँ पर। आपके पर्सन यहाँ पर उन हर उस चीज़ को बहुत ही सोच समझ कर देखते हुए नज़र आए हैं कि मुझे मालूम है कि ये चीज़ें ऐसे ख़राब हुई हैं, ऐसे सही होंगी, पर किसी तरीके की हिचकिचाहट है जिसको वो शायद सामने बाहर ला नहीं पा रहे हैं। वो शायद आपसे कुछ कहना पास्ट में हो सकता हो, आपसे बराबर खुल के बात ना कर पाते हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो अंदर से बहुत ही स्ट्रांग है, हो सकता हो बाहर से आपको दिखा ना पाते हो। ऐसी पर्सनैलिटी वाले पर्सन भी आपके हो सकते हो कि शो ऑफ ज़्यादा ना करते हो, हिडन रखते हो चीज़ों को। प्यार भी करते हैं तो ज़्यादा जाहिर नहीं करते हों, तो इसी सब बारे में यहाँ पर सोचते हुए नज़र आए, इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर वो रोते हुए भी नज़र आए हैं यहाँ पर। नो डाउट कि आपके पर्सन की जो सिसकियाँ हैं मैं महसूस कर पा रही हूँ कि वो किस फील्ड में किस सिचुएशन में यहाँ पर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत आपको याद किया है उन्होंने, और ओह माय गॉड जो ये जो आपका झगड़ा है ना, इस झगड़े को यहाँ पर वो चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं। आपके साथ जो आपके बीच की वॉर है, आप दोनों के बीच का, आप दोनों के बीच में जो टेंशन्स हैं, ईगो वॉर है, उस चीज़ को भी यहाँ पर वो ख़त्म करना चाहते हैं। और यह हो सकता हो कि आप दोनों के बीच में ईगो वॉर ही चल रही हो, तो इसके बारे में भी सोचते आ रहे हैं कि हमारा ईगो ईगो में रिलेशन कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया, ईगो के चलते सब चीज़ें खराब हो गई। तो ये चीज़ें यहाँ पर सोचते हुए आपके पर्सन नज़र आए हैं यहाँ पर। देखिए, ईगो बहुत ही बेकार चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ईगो ईगो में ना जाने कितनी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। प्लीज़ अगर आप लोग ईगो के चलते अपना रिलेशन को नहीं बढ़ा रहे कि मैं क्यों कॉल करूं, वो खुद ही करेगा या करेगी, मेरी क्या है, मैं कॉल कर लूँगा तो उससे लगेगा कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, नहीं, सीना ठोक कर कहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बार। इतना जिगरा हमें होना चाहिए, हमारे प्यार पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम अपने ईगो को लेकर आ रहे हैं बीच में तो फिर हमारे प्यार में कहीं ना कहीं कमी है, फिर वो ट्रू लव में नहीं गिनती आ रही है, क्योंकि ट्रू लव वही होता है जहाँ पर कोई ईगो होती ही नहीं, हम बेशरम हो जाते हैं।
प्यार में बेशरम होना कोई कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक हम बेशरम नहीं होंगे हमें मेरी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। हम बेशरम हैं कि हाँ भैया मैं प्यार करता हूँ और नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मुझे बात करनी है तुमसे। ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड आपका। और अगर ऐसा एटीट्यूड है तो कोई रिश्ता ईजिली टूटने वाला ही नहीं, क्योंकि सामने वाला भी समझेगा उस चीज़ को कि मुझसे कितना प्यार करता है मेरे बगैर। हम कितने भी बेकार बातें हो जाए लेकिन देखो फिर भी मेरा पर्सन मुझे कॉल करता है, मैसेज करता है। ऐसा प्यार होना चाहिए कि सुबह बोला मैं नहीं बात करूँगा, फिर 15 मिनट बाद आपको फ़ोन कर दे, या 10 मिनट भी ना लगे आपको फ़ोन कर दे, या 5 मिनट भी ना लगे आपको फ़ोन कर दे। ऐसा प्यार होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर कुछ ये एनर्जीज आपके पर्सन के निकल कर आए हैं जो कि बहुत ही पेनफुल उनके लिए रही होंगी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहे आपके पर्सन। अगर आपसे कुछ भी यहाँ पर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूर नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ लीजिएगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।